हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाट और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह है मेरा फेसबुक पेज, आप इसके माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोहम्मद बिन कासिम, इतिहास का एक ऐसा राजा जिसने 3 साल में ही पूरे सिंध प्रांत को हिला के रख दिया था, एक बड़े क्षेत्र को जीत लिया था महज 3 वर्ष में। बहुत ही छोटी कम उम्र में इन्होंने ऐसा किया था। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, मोहम्मद बिन कासिम जो थे, इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 695 ईस्वी को और इनकी जो हत्या है, इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 18 जुलाई 715 ईस्वी को। कैसे हुई थी वो आगे हम आपको बताएंगे। इनके जो माता पिता थे वो बचपन में ही चले जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है और इनका जो लालन पोषण होता है वो इनके चाचा होते हैं अल हज्जाज, इनका लालन पोषण करते हैं, इनको घुड़सवारी तलवारबाजी ये सब कुछ यही सिखाते हैं। देखिए, अल हज्जाज का मैं थोड़ा बहुत तुमको बता दूं, अल हज्जाज जो थे वो राज्यपाल थे उस समय दमिश्क के। दमिश्क जो है वो पड़ता है सीरिया में। अब देखिए, जब ये बड़े हो जाते हैं मोहम्मद बिन कासिम, तो इनके जो चाचा जी थे अल हज्जाज, ये अपनी ही बेटी से जिसका नाम था जुबेदा से इनका निकाह करा देते हैं, इनका विवाह करा देते हैं। तो अल हज्जाज इनके चाचा भी लगते थे और ससुर भी लगते थे, क्योंकि अपनी चचेरी बहन से शादी इन्होंने की थी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय में आम बात होती है। अब देखिए, इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद इन्होंने ये जो आपको पूरा क्षेत्र दिख रहा है सिंध ब्राह्मणवांती और ये पूरा मुल्तान पंजाब और ये मकरान से होते हुए पूरा क्षेत्र उन्होंने विजित कर लिया था। मात्र 17 साल की उम्र में इनके जो चाचा थे उन्होंने कहा था आप जाइए और जो भारतवर्ष है उस पर आक्रमण कीजिए। जिस समय इन्होंने आक्रमण किया था उस समय इनकी जो उम्र थी वो केवल 17 साल थी। आप सोच सकते हैं केवल 17 साल की उम्र में इतने बड़े क्षेत्र पर उन्होंने क्या किया, आक्रमण कर दिया और लगातार विजय प्राप्त की थी उन्होंने। देखिए, इनके जो आक्रमण का क्रम था, सबसे पहले इन्होंने जो आक्रमण किया था वो किया था देवल पर। देवल पाकिस्तान में पड़ता है और इन्होंने देवल पर आक्रमण किया था। देवल उस समय बौद्ध जो होते हैं उनके लिए, यहाँ बहुत सारे बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, तो इन्होंने बिना कोई विरोध किए इन्होंने कहा था हिंसा तो करनी नहीं है, हम लोग युद्ध चाहते नहीं, तुम्हें देवल पर अधिकार करना है, आप देवल पर क्या कर लो, अधिकार कर लो। तो मोहम्मद बिन कासिम का बिना युद्ध के ही देवल पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। उसके बाद जो दूसरी जगह थी वो थी नेउड़। ये जो नेउड़ जगह थी इसको नेउड़ बोलते हैं वर्तमान में और ये भी पाकिस्तान में है। यहाँ का जो राजा था वो था जयसिंह। अब जयसिंह यहाँ का राजा था, जयपुर वाला जयसिंह नहीं, ये इस समय सिंध का जो शासक था दाहिर सेन, दाहिर सेन का बेटा था। लेकिन ये जो बेटा था एक नंबर का नालायक था, जैसे ही कासिम ने आक्रमण किया था नेउड़ पर ये छोड़कर भाग गया और कहाँ भाग गया, ब्राह्मणाबाद भाग गया। तो कासिम को दोनों जो जगह थी दोनों जगह बिना युद्ध के ही मिल गई। तीसरा जो आक्रमण किया था ये सैवान पर किया था। यहाँ का जो राजा था वो माजरा था, ये भी कासिम के वैसे भाग जाता है और ये भागकर पहुंच जाता है जो उस समय सीसम की जो जाट थी उनके पास। और ये जो 3 क्षेत्र हैं, पहली जो 3 सफलताएं हैं भारत में वो कासिम को गिफ्ट में मिली थी, क्योंकि किसी ने युद्ध किया ही नहीं, कासिम के बारे में जैसे ही सुनते भाग जाते। तो जो 200 वर्ष यानी कि 712 ईस्वी से पहले का जो भारत था उससे 200 वर्ष से अधिक समय तक ये लोग प्रयास कर रहे थे इस क्षेत्र को जीतने का, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए थे। लेकिन जो बाद के यहाँ के जो संचालक हुए वो ऐसे थे नहीं। देखिए, राजा दाहिर था वो एक अलग था, उसके द्वारा जो इनको इनके साथ संघर्ष किया गया, लेकिन जब वो अपनी बुजुर्ग अवस्था में आ जाते हैं तो वो ऐसा सामना नहीं कर पाते और जो उनके बेटे थे वो भी इनको नहीं रोक पाते। देखिए, आगे जो था वो था ब्राह्मणवाद, जहाँ पर जो दाहिर सेन थे सिंध के शासक उनकी पूरी फैमिली रहती थी। यहीं पर जयसिंह जो था और जो सीसम के जाटों पर जब आक्रमण हुआ था तो यहाँ जो सैवान के भागकर जो राजा आया था माजरा, वो भी मारा जाता है सीसम के जाटों के विरुद्ध। और कुछ समय तक तो जाट संघर्ष करते हैं लेकिन वो भी अंत में आत्मसमर्पण कर देते हैं। उसके बाद जो आक्रमण हुआ वो ब्राह्मणवाद पे हुआ। ब्राह्मणवाद पर इन्हें एक बड़ी सफलता मिली, यहाँ पर युद्ध हुआ था
और उस युद्ध में कासिम ने आसानी से इनको हरा लिया। देखिए जो जयसिंह था उसके पास एक स्वर्ण अवसर था, अगर वो चाहता तो देवल, नेऊर, सेवान, सीसम के जाट और ब्राह्मण वर्ग इनका एक संगठन बनाकर कासिम से मुकाबला कर सकता था, क्योंकि कासिम युवा तो था लेकिन उसके पास युद्ध का अनुभव नहीं था। लेकिन इन्होंने पीछे हटकर उसके मनोबल को और बढ़ाते लोग ये चले गए, क्योंकि उसने देवल पर पहला आक्रमण हुआ, ये लोग भाग गए डर की वजह से, फिर नेऊर से भाग गए, सेवान से भाग गए, तो कासिम का मनोबल बढ़ता गया और वो आगे भारत में प्रवेश करता गया। अगर पहले ही उसको ये सभी लोग संगठन बनाकर देवल में ही उसे दबोच लेते तो वो वापस लौट जाता, क्योंकि इतने सालों से मुस्लिम जो थे या जो तुर्क जो थे वो भारत को विजित नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि पहले के जो शासक थे वो उनको देवल या इस क्षेत्र से आगे बढ़ने नहीं देते थे। देखिए मैप के माध्यम से हम बताएंगे, इस क्षेत्र यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से कभी भी जो तुर्क थे या कोई मुगल आक्रमण कर रहे थे वो आगे ही नहीं बढ़ पाए। लेकिन इन्होंने जो खासकर इन शासकों ने पीछे हटकर इनकी जो कासिम की प्रवृत्ति थी उसको मनोबल प्रदान किया। उसके बाद जो आक्रमण हुआ था, देखिए ब्राह्मणवाद से जो धैर्यसेन की दो लड़कियां होती हैं उनको क्या कर लेता है, एक कैद कर लेता है और कैद करके उन्हें खलीफा के लिए भेज देता है। जो इसकी मौत की वजह बनती है, देखिए ब्राह्मणवाद में जो राजा धैर्यसेन था उसकी पत्नी थी एक लाड़ी और इसकी एक बेटी थी सूर्यसेन और दूसरी बेटी थी परमल देवी। इन तीन को ये क्या करता है, कैद कर लेता है। उसके बाद जो इसने अगला आक्रमण किया था मुल्तान पर किया था, ये जो आक्रमण की बातें चल रही हैं ये चल रही हैं 712 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया था। यहाँ से बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं मिली थी इसलिए इसने मुल्तान को स्वर्ण नगर की उपाधि दी। अब देखिए जैसे ही ये मुल्तान को जीतता है खलीफा अली वजीद जिसके समय यह आक्रमण कर रहा था, जिसने इसको आक्रमण करने की अनुमति दी थी, और जो खलीफा अल वजीद जो अली बलीद था ये इसके चाचा जो थे उनके विचारधारा का था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद सुलेमान मलिक क्या बन जाता है, नया खलीफा बनता है। और सुलेमान मलिक जो खलीफा बना था वो भाई तो था अली वलीद का ही, लेकिन इसकी जो मनोवृत्ति थी वो बिल्कुल अलग थी। इसने क्या किया, जैसे ही खलीफा बना कासिम को आदेश दिए कि ऐसा करो अपने युद्ध अभियान क्या करो, बंद करो, क्योंकि लोग जो इसके जो सरदार थे उन्होंने बताया था कि कासिम बड़ी तेजी से पूरे क्षेत्र को जीत रहा है, ऐसा ना हो कल तुम्हारा खलीफा का जो पद है वो क्या पड़ जाए, खतरे में पड़ जाए। इसीलिए सुलेमान ने आदेश दिया किसको, कासिम को, कि तुरंत अपने युद्ध अभियान क्या कीजिए, बंद कर दीजिए। कासिम खलीफा के जो बातें थी इनको नहीं डाल सकता था और इसने भारत में जितने भी युद्ध अभियान थे इसने तुरंत बंद कर दिए। उसके बाद क्या किया, कासिम ने सोचा कि चलो उनको खुश करते हैं और सिंध के शासक धैर्यसेन की जो पुत्री थी सूर्य देवी और परमल देवी को कैद किया था इनको भिजवा दिया किसको, सुलेमान की सेवा में। कासिम ने सोचा था खुश हो जाएगा, ऐसी हमारी कोई लड़ाई भी नहीं है तो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। अब देखिए सुलेमान की सेवा में दोनों लड़कियों को भेज दिया जाता है। अब देखिए यहाँ जो लड़कियां हैं ये दोनों जैसे ही सुलेमान के पास भेजी जाती हैं तो सुलेमान इनके पास जब पहुंचता है तो ये दोनों जो लड़कियां हैं वो रोने लगती हैं। तो सुलेमान ने पूछा था क्या हुआ, क्यों रो रही हो तुम दोनों, तो उन्होंने बताया सूर्य देवी और परमल देवी ने कि जो शासक हैं कासिम उन्होंने हमें इस्तेमाल किया है पहले और इस्तेमाल करने के पश्चात आपकी सेवा में हमें भेजा है। तो इससे जो खलीफा था सुलेमान था वो इतना क्रोधित हुआ उसने तुरंत आदेश दिए कि जाओ तुरंत क्या कीजिए, कासिम को पकड़ के लाओ और पकड़ के ही मत लाइए, उसे क्या कीजिए आप लोग मरे हुए बैल की खाल में बंद करके लाओ, दमिश्क लाओ। दमिश्क जो है वो उस समय कहाँ पड़ता था, सीरिया में। और इस प्रकार रास्ते में ही जो कासिम है उसकी दम घुटनी से क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और एक महान शासक जो बन पाता था वो अपने ही लोगों की वजह से मारा जाता है, एक बुरी मौत उसकी होती है। और जो मृत्यु के बाद जब उसको पता चलता है सुलेमान को वास्तविकता का, तो जो सूर्य देवी थी और परमल देवी थी उन्होंने जो महल था उसकी छत से कूदकर आत्महत्या कर ली और कहा कि हमने अपने पिताजी और भाई की जो मृत्यु थी उसकी अपमान का बदला ले लिया।
बाद में सुलेमान काफ़ी दुखी होता है लेकिन उससे कुछ नहीं हो पाया। तो ये था इस वीडियो का एनालिसिस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो से संबंधित अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।